और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, गुरुग्राम गैंगरेप के मामले में तीसरा आरोपी भी गिरफ्त में आ गया है। बुलंदशहर से उसे गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम में बच्ची की हत्या कर उसकी मां से गैंगरेप के मामले में तीसरा आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 29 मई की रात महिला अपने घर से मायके के लिए निकली थी। रास्ते में लिफ्ट देने के बहाने एक शेड ऑटो में उसे बिठा लिया गया था, जहां तीन लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की। बच्ची रो रही थी, इसीलिए दरिंदों ने बच्ची को ऑटो से बाहर फेंक दिया था। बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसकी मां से गैंगरेप किया था। 5 घंटे तक वो ऑटो को घुमाते रहे और कल आपको बता दें 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और तीसरा रात को गिरफ्तार हुआ है बुलंदशहर से। इस तीसरे आरोपी की गुरुग्राम गैंगरेप केस में गिरफ्तारी हुई है। तो अब तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, पकड़ लिए गए हैं। 2 आरोपियों को कल पकड़ा गया था और देर रात कल तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया बुलंदशहर से। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश यादव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, और क्या जानकारी मिल रही है? अब तीसरा आरोपी भी पुलिस की पकड़ में आ गया है। जी देखिए, कल शाम को एक आरोपी को गुड़गांव पुलिस ने यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था और तीसरे आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया, जिसे लेकर अब गुरुग्राम पुलिस गुड़गांव लेके आ रही है और उसके बाद इन हो सकता है कि पुलिस कमिश्नर इस विषय पर पीसी करें। जी नेहा, शुक्रिया आपका राजेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब जो पुलिस है वो हो सकता है इस पूरे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के साइबर सिटी के ऊपर जो गंभीर सवाल उठ रहे थे, अब उस मामले में तीनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।